गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है ये। और इसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब हम क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंडिविजुअली क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपिजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सब चीज को हम क्या करेंगे, उनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और जरूरत पड़ा तो बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। समझ में आया मेरे बच्चों? तो अगर मैं अभी आपका जो स्टार्टिंग है, आज जो क्लास है, इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे पढ़ेंगे और आप देखोगे रियली यू विल रियली एंजॉय द सेशन, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर बोलूंगा कि आप पीछे के तीन पार्ट जरूर देखिए, तो इस पार्ट को देखिए, जब तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आते हैं हम, आज आते हैं पहला क्लासिफिकेशन में, एंड दिस इज व्हाट आपका लेआउट पूरा तैयार है आपको, और ये आपको दिख भी रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, इट इज ऑल अबाउट, इट इज हियर, ठीक है। पूरा क्वाड्रिलेटरल मतलब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम में ज्यादा पूछेगा आपके, ठीक है। जो आप, मैं फ्रेंकली बोलूं कि अब जो पढ़ेंगे हम वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा, वो तो बेसिक्स था सारे चीजें, और वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा है, ठीक है। तो आप आइए देखिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में। देखिए आपको मैं बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल को, जैसे मैंने बोला था ना कि पॉलिनोमियल को हमने क्लासिफाई किया था, पॉलिनोमियल बोला मैंने बोला कि आपका क्या था, पॉलीगोन को क्लासिफाई किया था हमने, कौन सा, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, सेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, और आगे भी चलता रहता है। पर उसमें से मैंने बताया था कि ट्राइंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन। तो उस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन को आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, फर्दर हम आज क्या समझेंगे, आप समझिए पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये पढ़ेंगे ना बच्चों कि इसको क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसका, मतलब कि उस क्वाड्रिलेटरल में जो हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन, उसको हम देखेंगे फर्दर, सब कैटेगराइज करेंगे। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये सारे जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये लाइफ टाइम तो पीछा रहेगा आपके, बात ये है कि इनको स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ये, मतलब इनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मैं सिंपल बोलूं कि एक क्या होता है दूसरे से अलग, तो जैसे मैं बोलूंगा कि रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, या फिर मैं बोल दूं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में, सॉरी स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता है कि रोम्बस का इस साइड इक्वल होता है, बट ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री, एंड इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90 डिग्री एज वेल इस साइड इज इक्वल, दैट इज व्हाट स्क्वायर बोलेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है मेरी बात। तो आते हैं हम, अब करते हैं आपका क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल में भी वैसे क्वाड्रिलेटरल जो स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, मतलब स्पेशल उनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है स्पेशल, तो उनको हमने अलग अलग नाम दिया है। चलिए देखते हैं पहला टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, पहला ट्रेपेजियम, फिर काइट, फिर पैरेललोग्राम, बच्चों समझ में आ रहा है। तो अब बोलोगे सर तो हमने जो क्लासिफाई किया है ना क्वाड्रिलेटरल को, तो एक तो आपको रखा है मैंने ट्रेपेजियम, देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दूसरा काइट और तीसरा पैरेललोग्राम। अब इस ट्रेपेजियम के अंदर क्या आता है, तो अभी हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, जिसके वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड बस पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते, बस क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। मतलब आपका देखोगे कि ये वाला साइड जो है यहां पर पैरेलल नहीं दे रखा, ट्रेपेजियम किसी भी शेप का दे रखा है, बट यहां पर थोड़ा जो ट्रेपेजियम होता है ना बच्चों, ये पैरेलल होगा इस तरह से, ठीक है ऐसे होता है, एक पेयर साइड्स क्या होते हैं पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल होगा, बात समझ में आया। और अगर मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में बोलूंगा कि इसमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, सर थोड़ा फिगर थोड़ा गड़बड़ है दिख रहा है इस वाले में, इसमें तो मैंने करेक्ट कर दिया, ये लाइन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें ये वाला साइड जो है ना इसके पैरेलल होता है, अरे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा, तो सर नॉन पैरेलल साइड जो दिख रहा है AD इक्वल टू क्या होगा आपका, AD इक्वल टू होता है बच्चों BC होता है, मतलब ये और ये साइड क्या होंगे इक्वल। काइट वाले को हम फर्दर आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें क्या होता है एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला पेयर एक इक्वल होगा, कौन सा, एक आर की और दूसरा एस आर, और इसमें क्या बोलोगे एसपी और दूसरा कौन सा पीक्यू, ये दोनों इक्वल होंगे एडजेसेंट वाले, ऊपर ऊपर नीचे नीचे इक्वल होंगे। अगला देखिए पैरेललोग्राम, ओहो पैरेललोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम में आपको पता है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल इक्वल होते हैं, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। अब बोलेंगे सर पैरेललोग्राम में भी स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे रोम्बस, ठीक है, फिर रेक्टेंगल,
और फिर हम अगर बोलेंगे रोमबस रेक्टेंगल को फर्दर अगर हम मिलाएंगे तो आप देखोगे कि स्क्वायर फॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा वो, क्योंकि अगर रोमबस का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो बच्चों इन चीजों को हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन करके हम क्लासिफिकेशन इनका पढ़ेंगे और इनके स्पेशल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ये तो पूरा टेबल है, लुकआउट है, मतलब पूरा लेआउट है आपके पास तैयार, कि पूरा चैप्टर में हम इन्हीं के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, मतलब घूमता रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। पहला पढ़ना है, क्या बोलोगे? अब देखिए यहां पर सही बना है ट्रेपेजियम का फिगर। तो बोलेंगे सर ट्रेपेजियम क्या है, व्हाट इज ट्रेपेजियम? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ साइड इज नॉन पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। यार एक पेयर ऑफ साइड क्या बोला है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे, बस इक्वल नहीं होंगे। और एंड अदर पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल, दूसरा पैरेलल नहीं होगा, कोई एक ही पैरेलल होंगे, इक्वल भी नहीं, बस पैरेलल होंगे। मतलब आपको कौन सा पैरेलल दिख रहा है, ए बी पैरेलल दिख रहा है सर हमें सी डी के, तो बस यही होगा इसका। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो प्रॉपर्टी में बस इतना याद रखिएगा जो यूज होता है, यूजफुल है आपका, कि ए बी जो होगा बच्चों वो किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। समझ में आया मेरी बात? बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस ट्रेपेजियम में याद रखिएगा कि अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अगर मैं बोलूं इसका एरिया कितना होता है ट्रेपेजियम का, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है, ये भी लिख लो आप, इसका प्रूफ बताऊंगा मैं। अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता कितना है बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पैरेलल साइड मान लो ये ए है, ये वाला ए है, और ये सी डी क्या है आपका, बी है। ठीक है, तो इनका जो एरिया बनेगा ना बच्चों, आप कुछ मत करो, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो इस पे। ठीक है, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये दिख रहा है आपको, दिस एंगल इज कंप्लीटली 90 डिग्री, क्या होगा ये 90 डिग्री होगा बच्चों। बात समझ में आया? तो अब बोलोगे कि ये वाला जो आपका जो ये वाला जो है, दिस इज हाइट, और इसको क्या नाम दे दो, ई नाम दे दो। समझ में आया मेरी बात? तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सर पैरेलल साइड ए और दूसरा कौन सा है, बी, ए प्लस में बी, और इनटू में क्या बच्चों, तो हाइट ले लोगे, क्या ले लोगे, हाइट, मतलब दो पैरेलल साइड के बीच का जो हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट इज द हाइट होगा। समझ में आया? तो आपका ये वाला जो है, ये बी ई जो होगा, दैट इज द हाइट, है ना। और अगर पैरेलल साइड बोलोगे तो ए बी प्लस में बी सी डी बनेगा, और दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, तो इतना याद है आपको ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का काम खत्म, इससे ज्यादा आपको जानना जरूरत नहीं है बिल्कुल। चलिए अब आगे देखिए, आपको देखिएगा क्या है आइसोसेलस ट्रेपेजियम, कुछ नहीं करेंगे इसमें, अभी जो मैंने बताया उसी चीज को। पहला पहली तो ये वाला साइड इसके पैरेलल होगा बच्चों, मतलब ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। आप बोलोगे सर क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे इनके, तो एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगे, जो पहले होता था पैरेलल वो एज इट इज होगा, मतलब ए बी पैरेलल किसके होगा, सी डी के। और क्या होगा बच्चों, और क्या होगा बच्चों, तो बोलोगे सर ए बी पैरेलल सी डी होगा, बात क्लियर है सर, यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात, एक और स्पेशल कैरेक्टर आता है इसमें, एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये, कि एडी जो होगा लेंथ में वो बीसी के इक्वल होगा। ठीक है, इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, अरे यार ये दोनों तो पैरेलल थे, तो नॉन पैरेलल साइड एडी और एक बीसी बन रहा है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। बात समझ में आया? तो आपका जो बनेगा वो बनेगा एडी किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर एडी इक्वल टू बीसी होगा, क्या होगा, एडी इक्वल टू बीसी होगा, सॉरी ए, हाँ ठीक है, एडी इक्वल टू बीसी। तो बस इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा वो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, आपका देखिए क्या बना है पैरेललोग्राम। तो क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम क्या है आपका, तो ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इट इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब यहां पर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या बोला है, पैरेलल इक्वल बोला है, एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये लाइफ टाइम आपके कभी भी चले जाओ 11, 12 ग्रेजुएशन सब जगह मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप यह समझिए यार, इसको कैसे समझेंगे सर, तो एक तो यहां पे डेफिनेशन लिख रखा है, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करता हूं, मैं जो लिखा रहा हूं इसको याद रखिएगा, इट इज ए ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। क्या होता है, तो ए बी जो है, ए बी साइड जो है, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल होगा बच्चों, ये वाला बच गया, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल होगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल इक्वल, ये दोनों पैरेलल इक्वल, दैट इज द पैरेललोग्राम। समझ में आया? तो पहला बोलेंगे ए बी जो होगा
वो क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा बच्चों, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। दूसरी बात और क्या होगा बच्चों, यार बच्चों तो बोलोगे तुम कि ए बी सी डी के इक्वल, इसी तरीके से सर ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा एंड ए डी पैरेलल, सॉरी यहां पर दोनों जगह इक्वल इक्वल लिख दिया मैंने ऊपर में, है ना, दोनों जगह इक्वल इक्वल लिख दिया है, ये पैरेलल होगा किसके, सी डी के, समझ में आया। इसी तरीके से बोलोगे ए डी इक्वल टू होगा आपका बी सी के इक्वल होगा एंड क्या लिखोगे, ए डी जो है आपका किसके पैरेलल होगा, तो ए डी पैरेलल होगा आपके बी सी के। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ये इसके पैरेलल इक्वल, ये इसके पैरेलल इक्वल, ठीक है। और एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या आता है, तो हम लिखेंगे, ये तो डेफिनेशन को मैंने लिखा यहां पर सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही था, तो याद रखिएगा जो नोट में लिखा रहा हूं ये चीजें, ठीक है। दूसरी बात है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि सर जो OA का डिस्टेंस होगा वो OC का होगा, जो OB का डिस्टेंस होगा वो OD का क्या होगा, OB का डिस्टेंस, मतलब OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC, ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो हम बोलेंगे सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, तो लिखोगे डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, या तो पूरा आप लिखिए उसको वर्ड में, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, पैरेललोग्राम के, तो क्या होगा सर, तो OA इक्वल टू होगा बच्चों OC होगा एंड में लिखोगे कि OB किसके इक्वल होगा, दैट इज OD के इक्वल होगा बच्चों, बात समझ में आया, तो OB इक्वल टू OD हो गया, ठीक है, तो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD होगा, इतना बात समझ में आया, इससे ज्यादा नहीं समझना आपको, पैरेललोग्राम हो गया आपका काम, ठीक है। और क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम बाद में समझेंगे, बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है, उसको और हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, यहां तक कॉपी कीजिए आप पॉज करके। चलिए अब है नेक्स्ट आपका, देखिएगा क्या है बच्चों, देखिए अब तो यार थोड़ा सा क्लास को हम इंटरटेनिंग, मतलब ये बोलूं कि आपको पढ़ना तो है, तो मैं क्लास का थोड़ा वीडियो को शॉर्ट कर दूंगा, सो दैट आप इंजॉय करो, देखो, और आप बिल्कुल से ऐसा नहीं कि लंबा है सर, बहुत सारा वीडियो बहुत बड़ा है तो देखने में बहुत ये होता है, क्या प्रॉब्लम होता है मुझे, ठीक है, और जोक तो हम बाद में सुनाएंगे यार क्लास में, है ना, लाइव क्लास में। चलिए तो रोम्बस जो है आपका, ये है आपका ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। अरे यार अब डिफाइंड ही कर दिया इसने पैरेललोग्राम से, तो इसका मतलब समझते हो कि वैसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोल देंगे हम, रोम्बस। तो सर पहले पहली तो वो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बाद में एडिशनल क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगे, बस इतना सा है। और क्या इक्वल आता है इसमें, क्या होता है, तो रोम्बस के जो आपके डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही याद रखना है, पूरा भूल जाओगे तो भी चलेगा, बस ये याद रखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बात, इनके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आते हैं हम यहां पर लिखते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है इसका, एक जगह मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन तो समझ गए, ईच साइड इक्वल होगा, तो प्रॉपर्टी में सारा लिख देता हूं एक ही जगह पे। फर्स्ट क्या होगा, ऑल साइड इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, मैं लिखता नहीं हूं बच्चों इस चीज को, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। सी डी इक्वल टू क्या होगा, डी ए होगा। सर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सर ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो क्या अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होंगे, अरे बिल्कुल होंगे यार, उसने डिफाइंड ही किया है पैरेललोग्राम, मतलब ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, सी डी के, और क्या बोलोगे, जो ए बी होगा वो, सॉरी, और जो आपका बच रहा है कौन सा, ए डी, ये किसके पैरेलल होगा यार, तो ये बी सी के पैरेलल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या करोगे यार, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखोगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना है, ऐसा नहीं कॉपी करके स्क्रीनशॉट लेके रखे, नहीं काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा तभी याद रहेगा आपको, और इसको रिवाइज करना है नोटबुक को। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, एट एन एंगल ऑफ कितने पे बच्चों, तो आप याद रखिए कितने पे, 90 डिग्री पे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब एक है अगर मैं डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन करता हूं, दिस इज एसी डायगोनल, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो दिस इज द डायगोनल, तो आप बोलोगे ना बच्चों
कि OA इक्वल टू OC होगा और OB जो होगा वो क्या होगा, OD के इक्वल होगा। नहीं समझ में आ रहा है बात? अरे ये तो मैंने बोला कि बाइसेक्ट का मतलब होता है, इंटरसेक्ट मतलब होता है जस्ट कट करना एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बस इतना आप समझो। तो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब OA इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल टू क्या होगा, OD होगा यार, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट का मतलब हुआ। बट ये क्या बोले हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब इसको समझिए यार, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, मतलब क्या है तो बोलोगे सर ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए, और ये किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्टार लगा दो इस प्रॉपर्टी को, एकदम याद रखना है इस चीज को, ठीक है, जितने स्टारे लगा दो आप, ठीक है। आगे क्या है, तो वो सेम आगे पैरेललोग्राम जैसा बाइसेक्ट करता है, मतलब ओ इक्वल टू ओ सी एंड आपका जो है ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ओ डी होगा बच्चों। एकदम से याद रखिएगा, एकदम सवाल बनता है इस पे कि ये साइड ये वाला दिया, मतलब क्या बोलता है पता है, डायगोनल का लेंथ पूछ देगा वो, है ना, किसी भी एंगल से अगर ए बी आपको ए बी दे रखेगा, पूछेगा आपको, बोल देगा कि ओए का लेंथ कितना है, तो आपको या ओ बी ओए ओ बी दे रखेगा आपको साइड पूछ देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तो आपको याद रखना है कि 90 डिग्री बना रहा है ना, मतलब इसके सामने वाला हाइपोटेनियस बनेगा ही भी, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है आपको, मतलब ट्रायंगल AOB में हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, तो AOB ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आया? तो OA देके AB देके आपको OB पूछ ले, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं आपको, चल आगे देखते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट है जो आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, पैरेललोग्राम व्हिच ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अरे यार इसने थोड़ा और भी एडिशनल पॉइंट डाल दिया, वैसे पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल क्या हो 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल, मतलब फिर इसने पैरेललोग्राम से डिफाइन किया। तो एक तो आपको समझ में आता है यार, तो पैरेललोग्राम है मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगा बच्चों, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बोलेंगे सर ये दोनों साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, होगा कि नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल होगा एज इट इज, जो पैरेललोग्राम में होता है, मतलब ये इसके पैरेलल इक्वल, ये इसके पैरेलल इक्वल। बात समझ में आ रहा है? तो सर और क्या एडिशनल होता है पॉइंट, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री होता है। तो सर इस बात को जस्टिफाई कैसे करोगे? उसने बोला है कि कोई भी एक एंगल, ईच एंगल लिखा है उसने, कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए ना। तो आपका देखिए, अच्छा एक बात छूट गया यहां पर प्रॉपर्टी में, इसको लिख लो, क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम में जो बताया था मैंने, क्या था पैरेललोग्राम, इसमें एक प्रॉपर्टी यहां पे थर्ड जो है यहां ऐड कर देता हूं मैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ऑफ आ पैरेललोग्राम, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, आर क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ए क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा बच्चों, आर इक्वल होगा। बात समझ में आया? तो अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सर इसको आप समझाइए वर्ड के फॉर्म में, तो इसका ये मतलब होता है ना कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, एंड में लिखोगे तो एंगल जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, मतलब यार ये एंगल जो है ना ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आया? और ये वाला जो एंगल है डी, ये बी के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम वाले केस में। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये प्रॉपर्टीज आपके, ठीक है। अब देखिए आपका आगे आते हैं, हम जो पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ रहे थे, आपका रेक्टेंगल पढ़ रहे थे। अब देखो इसमें क्या बोला था कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, मैं तो बोलूंगा कि पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाए ना तो बाकी सारे 90-90 होंगे। सर बताइए कैसे? अरे ये 90 डिग्री हो गया, अभी मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 बच्चों। और बोलोगे सर ये 90 कैसे बनेगा, अरे यार ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला ट्रांसवर्सल बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल का सम को इंटीरियर बनता है, थोड़ा याद करो। तो आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा, 180,
अरे ये 90 पहले से है तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। कोई इंटीरियर एंगल पढ़े हो कि नहीं, दो लाइन अगर एक दूसरे को क्या कर, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं दैट इज को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपका ए और बी को इंटीरियर बनेगा। तो चलिए इसके प्रॉपर्टी को लिखें फटाफट। तो ये प्रॉपर्टी में जो है बच्चों वो सारी चीज इसमें आएंगे जो पैरेललोग्राम वाले आते हैं। मतलब क्या है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या लिखोगे आप सर, प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो होगा वो सेम होगा, ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, और ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू होगा आपका सी डी होगा। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलोगे, ये तो फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से आपका जो ए डी है वो एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा, ए डी पैरेलल किसके होगा, तो ए डी पैरेलल बी सी होगा एंड ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था पैरेललोग्राम का ये यहां पर भी आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही डिफाइन किया उसने रेक्टेंगल को, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें हिडन होगा, ठीक है। दूसरी बात और क्या होगा सर, ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ईच एंगल 90 डिग्री मतलब क्या होगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री मतलब कि एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बच्चों, और ये भी कितना 90 डिग्री होगा। सर और कुछ बताइए एडिशनल पॉइंट, अगर इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब आपका जो होगा ओ इक्वल टू ओ सी होगा, ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा बच्चों। तो यहां से लिखोगे आप क्या, थर्ड की डायगोनल्स इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं बस, 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एंगल जो होगा ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये तो सारे एंगल इक्वल लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, नहीं इक्वल नहीं लिखा है, लिख ही रहा था मैं। यहां क्या लिखना है, ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा और क्या होगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा बच्चों। मतलब आपका जो सेम ये ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, और ईच एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो एडिशनल पॉइंट क्या ऐड हो गया इसमें पैरेललोग्राम में, ईच एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये था आपका रेक्टेंगल के बारे, अब हम आते हैं आगे पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे। चलिए कॉपी कीजिए इसको पॉज करके, यहां पर देखिए नेक्स्ट है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू ब्रेथ होता है, इनफैक्ट हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। और क्या बोलोगे आप दूसरा, इसका पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वही याद रखना है आपको, तो ये आता होगा आपको, बाद में करा देंगे इसको। अब आता है स्क्वायर, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है, ठीक है, इसके बाद काइट लास्ट में आता है। तो स्क्वायर में क्या होता है प्रॉपर्टी, देखिए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड एंगल इक्वल टू राइट एंगल, ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब सारे सारे साइड इक्वल होंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। तो हम रोम्बस को बोल देना कि अगर रोम्बस का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो प्रॉपर्टी क्या होल्ड करता है, तो प्रॉपर्टी में फटाफट जो मैंने लिखा था सारे पैरेललोग्राम वाले आएंगे इसमें, ठीक है, तो वो लिख नहीं रहा हूं मैं, आप खुद समझ लीजिए कि ए बी इक्वल टू आपका होगा बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं मैं। और क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा किसके, तो सी डी के, एंड क्या लिखोगे, जो आपका ए बी पैरेलल है वो किसके होगा, ए बी पैरेलल टू क्या होगा, सॉरी ए डी पैरेलल किसके, ए डी पैरेलल टू, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। समझ में आया बात, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, तो ये आपको पता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, अब यहां पर आता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा सर, तो ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एडिशनल पॉइंट हुआ, एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। क्या सर रेक्टेंगल में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, बट यार वहां रेक्टेंगल में ईच साइड इक्वल नहीं होता है, स्क्वायर में ईच साइड भी इक्वल होता है, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, है ना, वन बाय वन समझते चलो। अब क्या बोलोगे आगे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, तो अगर मैं इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करूं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अगर मैं इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करूं तो ये दो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे,
साथ साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे जैसा रोम्बस में हो रहा था। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब बाइसेक्ट तो कर रहे हैं पर 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक तो पहला OA इक्वल टू OC होगा, समझ में आया, और क्या OB इक्वल टू OD, मतलब ये बाइसेक्ट करने का मतलब होता है। और 90 डिग्री बाइसेक्ट मतलब एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको बेसिक्स पता होने चलना चाहिए कि रोम्बस का अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा तो हम बाद में प्रूफ भी करेंगे इस बात को कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो आप बोलोगे सर वो स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो ए बी बी सी सी डी और डी आपका क्या है, आपका ऑल साइड इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और देखोगे ना, अगर और डिटेल में देखोगे तो ये एंगल 45 डिग्री आता है, ये इसके इक्वल है, और ये आपका देखोगे ये भी एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, मतलब बाइसेक्टर होता है ये, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आधा एंगल 45 होगा, ठीक है। और यहां पर भी यहां पर एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। बात कुछ समझ में आ रहा है कि दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपको? मैं आई होप मान के चल रहा हूं कि यहां तक आपका क्लियर होगा पॉइंट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को मैंने एक साथ लिखाया है। और क्या होंगे अगर स्क्वायर की बात करेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं, इतना आपको आना ही आना चाहिए, समझ में आया। और क्या एडिशनल पॉइंट है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है फोर्थ पॉइंट है कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखोगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये भी याद रखिएगा, इसको भी यूज करते हैं, क्या होता है इक्वल, मतलब एसी डायगोनल किसके इक्वल होगा, बीडी डायगोनल के इक्वल होगा। ये भी बात आप याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मतलब एसी पूरा डायगोनल बीडी के इक्वल होगा। यार सर और किसमें इक्वल होता है, तो इसके पहले क्या बताया था मैंने, रेक्टेंगल। तो यहां पर भी लिख लीजिएगा डायगोनल्स ऑफ, क्या बोलोगे, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे, आर इक्वल, रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसके भी डायगोनल क्या होते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे इक्वल, मतलब कि सर AC इक्वल टू क्या होगा, तो BD के इक्वल होगा, दिस इज ऑल्सो। तो डायगोनल किस किस में इक्वल होता है, बस स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, बाकी किसी में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि रोम्बस पैरेलल नहीं, उसमें नहीं होगा यार, वो ड्रॉ करके देखोगे तभी समझ में आएगा। ये देखिए AC और ये BD, तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होता है और आपका क्या होता है स्क्वायर में भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सारे प्रॉपर्टी को मैंने समराइज कर दिया है और इसी चीज को याद रखना है, पूरे चैप्टर में यही काम देगा आपको और आगे भी लाइफ टाइम काम देगा। चलिए पॉज कीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपना, इस पे आते हैं, क्या है आपका, तो क्वाइट क्या बोलते हैं, तो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड ए काइट। यार टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो, दो पेयर ऑफ बोल रहा है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो यार अगर मैं इसको दिखाऊं थोड़ा सा और डिटेल यदि करोगे, तो एक तो आपका ये वाला पेयर जो है, कलर चेंज नहीं हुआ, मैं कर देता हूं इसको कलर को चेंज, एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला पेयर है, देखिए फिर से आ जा रहा है, कोई बात नहीं, एक ये पेयर इसके इक्वल हो जा रहा है, बात समझ में आया। और एक पेयर कौन सा हो रहा है आपका, तो बोलोगे सर दूसरा पेयर हमारा ये वाला हो रहा है, दिख रहा है ना, तो ये दोनों पेयर इक्वल हो रहे हैं और आपस में ये दोनों इक्वल, मतलब एक पेयर ये वाला इक्वल और एक दो एक पेयर ये इक्वल हो गया। तो आप बोलोगे सर इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो एक एक करके लिख लेते हैं इसके काइट के, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है बच्चों, तो सबसे पहले इनके एडजेसेंट, जैसे मैं बोलूंगा पी क्यू आर एस क्या है, काइट है, तो ये एक पेयर अब एडजेसेंट वाला इक्वल होगा, एक पेयर ये वाला इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर हमारा क्या होगा, तो एक एस आर, एस आर इक्वल टू होगा हमारा क्या होगा, क्यू आर, ठीक है। एक दूसरा क्या होगा, तो पी एस इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू दूसरा पेयर, तो ये दोनों वन पेयर ये और एक पेयर ये, तो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला बन रहा है, क्लियर है बात यहां तक।
अब आते हैं हम आगे की तरफ, समझते हैं और क्या है आपका बच्चों, और क्या एडिशनल हमें बात ध्यान रखना है। तो सर ये तो यहां तक तो क्लियर है, और क्या होते हैं अगर इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे ना बच्चों, तो आप देखिए जरा कुछ ऐसे ज्वाइन करोगे, ये थोड़ा एग्जैक्ट नहीं हुआ, देखिए अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो देखोगे कि एक ऊपर में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, एक नीचे में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। यार आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसके दो साइड इक्वल हो। तो एक तो आपका पी एस क्यू बन गया, देखो एक कौन सा बन गया, एस आर क्यू। तो इसमें एडिशनल पॉइंट क्या होता है कि जो दोनों, एक नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, एक ऊपर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल दो ना एक कॉमन बेस पे बन रहा है, और वो कॉमन बेस कौन सा है आपका, SQ है। कौन सा है, SQ। तो ये SQ क्या होता है, bisected by another diagonal। मतलब यार जो आपका PR है ना वो SQ को क्या करेगा, bisect। कौन वाला diagonal bisect होगा सर, confusion होता है बार बार, कुछ नहीं confusion है, एक ऊपर बन रहा है ना, ये isosceles triangle बन रहा है ऊपर, किस पे बन रहा है, इस SQ base पे, एक नीचे diagonal, एक नीचे बन रहा है आपका, दिख रहा है आपको एक triangle, isosceles triangle, किस पे बन रहा है, तो सर ये दोनों साइड इक्वल, इस SQ पे तो बन रहा है, तो SQ क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये पॉइंट मान लो आपका कुछ है, कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से O, तो आप बोलोगे सर या तो कुछ अलग ही नाम दे दो, PQRS है, तो ये मान लो अपना क्या है P, या P तो रख रखा है हमने, मान लो A पॉइंट है, ठीक है, तो A पॉइंट है, तो आप बोलोगे ना सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो लिखाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो AS इक्वल टू क्या होगा, AQ होगा। अरे इतना बात समझ में आ रहा, चमक रहा है कुछ, ठीक है, तो AS इक्वल टू क्या होगा आपका, AS इक्वल टू AQ होगा। दूसरी बात, इनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 90, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर एंगल R A Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो SAR, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। यहां पे थोड़ा सीरियस हो जाना, इस बात को ध्यान रखना है, इस वाले प्रॉपर्टी को तो एकदम यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो यार इन ट्रायंगल को बनाने के लिए एक तो ये वाला बेस चाहिए SQ, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए एक बेस SQ चाहिए, तो ये बेस बाइसेक्ट होगा, मतलब AQ का लेंथ AQ के इक्वल होगा, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, मतलब आगे के फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों यहां तक समझ में आया, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे आएंगे और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने पूरा खत्म कर दिया वन बाय वन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आगे हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, टिल बाय।